आने प्रश्न, प्रीवियस वीडियो में हमने इन जनरल वायलेशन के बारे में बात की थी। अभी हम बात करेंगे साइट 381, जो कि हमारे पास वायलेशन और वायलेशन के टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले हम ये कुछ एब्रिवेशन है, पहले इनको देखते हैं और फिर इसके बाद इनके डिफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास वायलेशन को ये किस तरह डिफाइन कर रहा है। ECD यानी एग्रीड कम्प्लीशन डेट, जब आप NCR रेस करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये कुछ एब्रिवेशन के ऊपर हमने हाईलाइट किया हुआ है। हमारे पास INCR है, जो इंटरनल नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट है जो कॉन्ट्रैक्टर इशू करेगा। LBE है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, लॉग बुक एंट्रीज हैं। अच्छा, ये मैनुअल भी होता है और कंप्यूटराइज भी होता है। QMIS जो सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए भी हम LBE को रेस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मैंडेटरी सऊदी आराम को इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है, और जो हमारे पास ये NCR वगैरह की जो एस्केलेशन प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म है नॉन कन्फर्मिटी एस्केलेशन, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म टू प्रोग्रेसिवली एस्केलेट पेंडिंग क्वालिटी एंड टेक्निकल डिफिशेंसीज टू द कंसर्न मैनेजमेंट। NCR, ये हमारे पास NCR यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट जो कि सऊदी आराम को रेस करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन लॉग बुक भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वर्कशीट है, जिसका मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग मेजर वायलेशन और एस्केलेशन पेंडिंग वैलिड NCR एज स्टिपुलेटेड इन द प्रोसेस। अच्छा, ये जब हमारे पास एक दो या तीन NCR रेज करने के बाद भी कोई काम कंप्लीट नहीं होता, तो उस पर आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो वर्कशीट के थ्रू प्रोसीड करेंगे। इसकी डिफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, लेकिन अभी इसकी हम देखेंगे आगे कि इसको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं ये साइट 381। अच्छा, वायलेशन है, वायलेशन में हमने मेजर वायलेशन सबसे पहले देखेंगे। इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, मेजर वायलेशन अगर हमारे पास ये दो कैटेगरीज में होंगे तो इसको हम मेजर वायलेशन कहेंगे। पहला वायलेशन क्या जो पॉइंट्स है, वो है वायलेशन ऑफ कंपनी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग GIs दैट पुट द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इट्स वर्कर्स एंड इक्विपमेंट एट रिस्क। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वर्कर्स और इक्विपमेंट अगर रिस्क में आ रही हैं तो उस वक्त ये हमारे पास जो भी वायलेशन होगी वो मेजर वायलेशन होगी। दूसरा है एक्शन दैट वायलेट द कॉरपोरेट वैल्यूज बाई सबमिटिंग पॉर्क एटम एंड काउंटरफिट मटीरियल्स, यानी अगर हमारे पास कोई बोगस या फॉल्स सर्टिफिकेट्स वगैरह है, हमने बना ली है, वो जमा कर दी है, तो ये भी हमारे पास मेजर वायलेशन में आएगा। मॉडरेट में नीचे अभी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको देखेंगे। एनी वायलेशन ऑफ मैंडेटरी सऊदी आराम को इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड अप्रूवल्स IPC ड्राइंग्स दैट इफ द नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क, यानी जो क्रिटिकल पाथ है जो मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं, उसको प्रॉब्लम आ रही है, यानी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें कोई वायलेशन है जो आगे एक्टिविटी को नहीं होने दे रही, तो उस वक्त जो वायलेशन आएगी वो हमारे पास मॉडरेट लेवल की वायलेशन होगी। यानी जब तक हम उसको उस वायलेशन को करेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरी एक्टिविटी में प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें बस यही चीज़ थी। अच्छा, एक शेड्यूल क्यों है, एनी वायलेशन ऑफ शेड्यूल क्यों, जिसमें हमारे पास मिनिमम क्वालिटी के रिक्वायरमेंट डिफाइन है अगर उसमें वायलेशन आ रही है। और थर्ड पॉइंट है इफ द वायलेशन विल बी कैटेगरीज यस एटम एज डिफाइंड इन। अच्छा, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट यानी जो डिटेल दी गए हैं उसको वायलेट कर रहे हैं, तो भी वो हमारे पास मॉडरेट वायलेशन आएगी। माइनर वायलेशन, अच्छा माइनर वायलेशन में है एनी वायलेशन टू साइज सऊदी आराम को मटीरियल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और अप्रूवल्स है हमारे पास जो भी है उसकी, किसी फेज में अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो सही नहीं है तो वो वायलेशन माइनर वायलेशन में आएगा। दूसरा हमारे पास है कि अगर इस कैटेगरी जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है GI 0002.710 में
डिफाइन है, अगर वो आ रहा है तो वो भी हमारे पास माइनर वायलेशन में होगा। अच्छा, हम